क्या है गुनाह, क्या है सवाब, आपके सवाल मेरे जवाब। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो आपके सवाल और मेरे जवाब के थर्ड एपिसोड में। सवाल ही तो हैं जो हमें दुनिया में बाकी जानवरों से अलग बनाते हैं। किसी ने तो सवाल किया होगा कि क्या बारिश और धूप से बचने के लिए गुफाओं की तरह खुद से अपने मकान नहीं बनाए जा सकते। किसी ने तो सवाल किया होगा कि क्या खाने के लिए शिकार की जगह खेती नहीं की जा सकती। आज उन्हीं सवालों ने हमें इंसान बना दिया और आज यही सवाल हमें इन रास्तों पर और आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह किसी खातून के सवाल से, और अब की बार एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम खातून का सवाल लेते हैं। जहरा लेला जवाद सजवानी, काफ़ी लंबा सा नाम है। वन पॉइंट यू मेड ऑन योर शिया कुरान प्रिजर्वेशन वीडियो विच यू हैवेंट साइटेड फ्रॉम एनी हदीस इज दैट शियास पुट अली और अहले बैत अबव रसूलल्लाह। यू हैव डिस्टॉर्टेड एंड लाइड फ्रॉम योर माउथ, नो फियर ऑफ गॉड। Why do you distort information and lie? ये लगता है कोई पाकिस्तान से शिया मैडम है और ये भी अलतकिया कर रही हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि इस बात का सबूत किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि अली या और कोई भी सहाबा रसूल से ज़्यादा दर्जा रखते हैं, लेकिन ये बात 100% सच है कि शिया लोग अली के सामने किसी को तरजीह नहीं देते, और ये मैंने खुद फील किया है। इसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी मजलिसें अटेंड की हैं, मातम किया है, और शियाओं के बुक्स में इलाहा कहा गया है अली को। और शिया में भी आपको कई ऐसे सेक्ट्स मिलेंगे जो ये बात मानते हैं कि अली खुदा ही है। बाकी शिया इस्लाम पर मैं अपनी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि इस कौम के बच्चे बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं और इन लोगों को भी इस झूठ के अंधकार से बाहर निकालने की इस समय बहुत ज़रूरत है। और अपनी हर बात मैं सबूत के साथ रखूँगा, आप बस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। रिजा का क्वेश्चन है कि विल द थर्ड वर्ल्ड वॉर फाउट बिटवीन इस्लामिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट, व्हाट्स योर टेक ऑन ग्रोइंग कम्युनिज्म। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो है ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है ये सब शांतिपूर्वक होगा, लोग चुपचाप अपना मजहबों से पीछे छुड़ा लेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इन पाखंडियों के पोल खोलता रहना होगा ताकि लोग जागते रहें। और कम्युनिज्म अभी बढ़ रहा है क्योंकि रिलीजन्स पॉलिटिक्स में यूज़ होने लगे हैं, तो ये भी रिलीजन्स की एक्सट्रीमिज्म के साथ साथ खत्म हो जाएगा। पीटर पार्कर, मेक ए वीडियो ऑन हाउ मोहम्मद स्टोल स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, एक तो ऑलरेडी है भी, क्या मोहम्मद साहब उम्मी थे, ये वीडियो देखिए आप, इसमें हिंट दिया है मैंने इसी बात का। मानस मलिक, वाई इस्लाम डू नॉट अलाउ देयर वुमन टू मैरी नॉन मुस्लिम। देखिए, ये कुरान की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है नॉन मुस्लिम से निकाह करने के मामले में। तो हमें एक कुरान की एक आयत मिलती है जो कहती है कि ईमान वालों के लिए लाजिम नहीं कि वो काफिरों से निकाह करें, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। मगर एक दूसरी आयत भी है जो कहती है कि ईमान वालों को अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई से भी निकाह की इजाज़त है। तो यहाँ खुद मुस्लिम भी कन्फ्यूज हैं कि किससे निकाह करना है और किससे नहीं। मुस्लिम लोग नॉन मुस्लिम औरतों से निकाह कर लेते हैं पर उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के बाद, तो इससे एक नॉन मुस्लिम कम हो गया और आने वाली जनरेशन्स भी मुस्लिम होंगी। पर ये किसी भी हालत में अपनी औरतों को ना तो रिलीजन चेंज करवाते हैं और ना ही उन्हें नॉन मुस्लिम से निकाह करने देते हैं, वरना जनरेशन लॉस हो जाएगा। तो इस्लामिक लॉस जो हैं वो हिपोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जेसन बॉर्न, मेक वीडियो ऑन इस्लाम एंड वैलेंटाइंस डे। देखिए, इस्लाम में औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ हमबिस्तरी ठीक है, लेकिन वैलेंटाइंस डे मनाना हराम है, तो ये काफिरों का फेस्टिवल है। तो इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है, चलो देखेंगे कभी फुर्सत में, शायद नेक्स्ट ईयर जब वैलेंटाइंस डे आए तब। और देखते हैं एम्स्टन ब्रो, मैं पूछना चाहता हूँ कि 2050 तक रिलीजन ज़्यादा रहेगा या फिर एथीस्ट लोग, और ब्रो आप लोग साइंस को मानते हो। अच्छा, 2050 में देखो अभी 30 साल हैं, तो ये तो छोटा पीरियड है, लेकिन बदलाव काफ़ी आ जाएगा इसमें भी। देखिए, अगर आप 30 साल पहले के ज़माने को आज के ज़माने से कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क मिलेगा। तब तो लोग जानते ही नहीं थे कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या बकवास बातें लिखी हुई हैं, तो जो आवाज़ उठाता था उसे मार दिया जाता था। और आज हम लोग अपनी पहचान जाहिर किए बिना लोगों को सच दिखा रहे हैं। तो वक्त और तेज़ी से बदलेगा, लोग इन फालतू की चीज़ों से निकलेंगे और साइंस को अपनाएंगे। अखिल, मेक ए वीडियो ऑन सम अरबी स्कॉलर्स हु डिस्कवर्ड द अर्थ इज़ राउंड लाइक इब्न हज़्म। अच्छा देखो,
इनके रसूल और सहाबा ये मानते मानते मर गए कि ज़मीन चपटी है और आसमान गुम्बद की शक्ल में है, जैसा कि हमें दिखाई भी देता है। और आजकल के स्कॉलर हैं जो साबित करते फिरते हैं कि अर्थ राउंड है। और अभी रिसेंटली ही इनके स्कॉलर मोहम्मद हिजाब ने देखो क्या ट्वीट डाला था, ये फ्लैट अर्थर्स पर हंस रहे हैं कि सबूत लेकर आओ, जबकि ये खुद फ्लैट अर्थ वाले हैं। तो ये वीडियोज़ वगैरह तो मैं लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग मुझे ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कल को हो सकता है यूट्यूब मेरा चैनल बंद कर दे, तो कम से कम फिर से हम इजीली मिल तो पाएंगे। ऑल गेम्स ब्रदर, मुझे बताओ कि मोहम्मद को इस्लाम 40 साल की एज रिवील्ड हुआ था और उसकी पहली शादी 25 एज में हुई थी, तो उसकी पहली शादी किस रिलीजन के हिसाब से हुई? तो मोहम्मद साहब ने अपनी पहली शादी खतीजा अल कुबरा से की थी, जो कैथलिक क्रिश्चियन थी। तो जाहिर सी बात है कि उनके मज़हब के अकॉर्डिंग ही हुई होगी, क्योंकि इस्लाम तो उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब ये नहीं पता कि उनकी शादी हलाल रही होगी या हराम हो गई होगी। मोक्ष की खोज, डू यू कंसिडर दैट डार्क मैटर इज़ अल्लाह? द मुस्लिम अपोलोजिस्ट आर क्लेमिंग दैट इट्स डार्क मैटर विच इज़ अल्लाह। 1748 वाज फॉर अबू सूफियान अकॉर्डिंग टू इब्न हिशम, पेज 142 एंड 143 इन इंग्लिश। कुड नॉट अल्लाह सी द फ्यूचर? सीरियसली यार, जैसे जैसे साइंस नई नई चीज़ें खोजती जाएगी, ये मुस्लिम वैसे ही उनको इस्लाम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाएंगे। हमें कुरान और हदीस से जितना अल्लाह के बारे में पता चलता है, वो बस यही है कि अल्लाह बिल्कुल इंसानों की तरह हैं, उसके भी हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, मुँह हैं, नाक है, चेहरा जो है वो आदम की तरह है, और जो उसके हाथ हैं वो दोनों हाथ उसके राइट साइड हैं, लेफ्ट की साइड में कोई हाथ नहीं है। अब भाई डार्क मैटर तो वैसा नहीं दिखता ना। और अभी आप कोरोना की वैक्सीन आने दो, पक्का उसकी रेसिपी कुरान में मिल जाएगी, और हर बार की तरह कोई ना कोई इसे ढूंढ ही लेगा। और देखते हैं भाई, इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रोज़ माइनॉरिटीज़ को अप्रेस किया जाता है और मारा जाता है, इज़ इट बिकॉज ऑफ इस्लामिक माइंडसेट? हाँ ये बात सच है, मगर हमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो मीडिया होता है वो कुछ एक्स्ट्रा ही मिर्च मसाला लगा के सुना देता है। अब जैसे पाकिस्तान में ये शो किया जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मगर हकीकत तो हमें पता है ना। अब इस्लाम तो नो डाउट नॉन मुस्लिम से नफरत सिखाता है, और रिलीजन के बेस पर इस्लामिक कंट्रीज़ में नॉन मुस्लिम को अप्रेस भी किया जाता है, ये भी सच है। मगर मुझे लगता है कि लोग ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिस वजह से जहाँ ये एंगल नहीं भी होगा ना वहाँ भी डाल दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में ख़ुद मुस्लिम आपस में कितना लड़ते हैं, कभी शिया काफिर हो गए, कभी अहमदिया, लेकिन इन न्यूज़ को इतनी जगह नहीं मिलती है। तो ये भी फैक्ट है कि इस्लामिक टेररिज्म से सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही अफेक्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम पूरी सच्चाई से दूर हैं। संजय मिश्रा, जफर भाई, गैर मुस्लिमों से नफरत करने वाली कुरान में आयत मौजूद हैं तो वो कौन कौन सी हैं? आप मेरी सेकंड वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया है मैंने। ओनली टारगेट 72, गुड। भाई आने वाले 10 सालों में भारत में इस्लाम का क्या भविष्य देखते हो? 10 साल, अभी 30 साल का जवाब दिया था मैंने, 10 भी वैसे ही जाएगा। दुनिया की समझ और टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो हो सकता है 10 साल में भी हम एक बहुत बड़ा फ़र्क देख लें। इंडियन एक्स मुस्लिम, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन सोसाइटीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ बिफोर एंड आफ्टर इस्लाम, लाइक ईरान, अफगानिस्तान, ट्यूनिशिया। ये वो कंट्रीज़ थी जो अपने टाइम में काफ़ी बेटर थी, और जब आप इनके पास्ट की पिक्चर्स देखेंगे तो आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये सच में सीरिया, अफगानिस्तान वगैरह हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी ईरान को कवर किया है एक वीडियो में, और बाकी पर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। फ्री थिंकर, भाई तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं यश सिंह, क्या मोहम्मद साहब ने अपनी चाची के साथ भी किया था उनकी कब्र में? मैंने पोस्ट देखे हैं FB पे ऐसे। तो भाई FB और WhatsApp से देखो कुछ भी उठाकर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, उसको ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कर लेना चाहिए। और जहाँ तक इस टॉपिक का मसला है, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी चाची की कब्र में अजाब हो रहा है, और वो अपने कपड़े उतार कर उसके अंदर चले गए कब्र के अंदर अजाब कम करने। अब अंदर तो मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने अजाब को कम किया या कुछ और, क्योंकि हमें हिस्ट्री की बुक से बस इतना ही मिलता है जिसे मुस्लिम ऑथेंटिक मानते हैं। मगर यहाँ मेरा सवाल मोमिन भाइयों से इतना है कि हमें एक हदीस मिलती है कि जब मोहम्मद साहब कब्रों के नज़दीक से गुजर रहे थे तो उन्होंने कब्र से आवाज़ सुनी, और जब वो पास गए तो पता चला कि कब्र में अजाब हो रहा है, क्योंकि उनमें से एक शख्स वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा लोगों की गैबत यानी कि चुगलखोरी और बुराई करता था। तो रसूल अल्लाह ने वहाँ पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और कब्र को ऊपर रख दी, और फिर उन पर अजाब होना बंद हो गया। तो मोहम्मद साहब ने यही तरीका अपनी चाची की कब्र के साथ क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं उन दो आदमियों की कब्र में भी कपड़े उतार के अंदर चले गए? क्या इसलिए कि वो लड़के थे?
खैर आगे चलते हैं। ओनली ह्यूमैनिटी, थैंक्स भाई, यू आर डूइंग ग्रेट, शुक्रिया भाई। दीपक फ्रॉम भारतवर्ष, आप हिंदू धर्म अपनाओ, अपने देश की संस्कृति को अपनाओ। देखिए मैं एथीस्ट हूँ, मेरा किसी मज़हब पर बिलीव नहीं है, मैं सिर्फ इस्लाम को इसलिए क्रिटिसाइज़ करता हूँ क्योंकि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और बाकी मुस्लिम्स की हेल्प करता हूँ इस दलदल से बाहर निकलने में। रही बात संस्कृति की, तो मैं इंडियन कल्चर को सपोर्ट करता हूँ, मुझे बाकी किसी मज़हब से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी इस्लाम से, क्योंकि इंसानियत के ख़िलाफ़ है और मेरी जो लड़ाई है वो एक्सट्रीमिज़म से है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरा क्वेश्चन है, क्या चांद के दो टुकड़े हुए थे? भाई शिया पर वीडियो बनाओ। देखो चांद के दो टुकड़े कभी नहीं हुए, अगर हुए होते तो इस्लामिक हिस्ट्री के अलावा और भी सोर्सेस से कहीं ना कहीं से पता चलता हमें, मगर ऐसा तो नहीं हुआ, एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। और चांद टूटा भी तो सिवाय मक्का के उन चुनिंदा लोगों के किसी को नहीं दिखा, ये कैसे हो सकता है भाई? छठी सदी में इतनी बड़ी घटना हुई और इस बात को कोई नहीं जानता, ये तो वही बात हो गई ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। असल में जब मोहम्मद साहब से कोई शख्स कहता था कि मौजा करके दिखाओ जैसे कि बाकी नबियों ने किया, तो यहाँ हमारे नबी कह दिया करते थे कि भाई जिस तरह बाकी नबियों ने मौजा दिखाया था मगर फिर भी तुम लोगों ने उनकी बात को झुठला दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें मौजा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा जब मैं ईमान वाला था तो मुझे भी बात चुभती थी कि भला ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का आखिरी नबी बिना मैजिक दिखाए चला गया। तो मतलब साफ है कि मूसा का भी वो नील नदी के दो हिस्से करना या ईसा का वो मुर्दों को जिंदा करना, ये सब ये प्रैंक हुआ है हमारे साथ और कुछ नहीं। अत्यानाथ नगराज, मैनी मुस्लिम्स नो दैट इस्लाम प्रमोट्स वायलेंस इन स्पाइट ऑफ दैट दे से इस्लाम इज पीसफुल टू काफिर्स, इज नॉट इट तकैया अल तकैया। जब जान पर बात आ जाती है तब अपने बिलीफ को छुपाने के लिए जो झूठ बोला जाए वो अल तकैया होता है। तो जो मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम इज़ ए पीसफुल रिलीजन, उन्हें खुद इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारिक जमील जैसे लोगों को सुनने के अलावा और कोई बुक वगैरह तो पढ़ी नहीं, इसीलिए इन्हें सब पीसफुल लग रहा है। जफर हेरेटिक को सुनेंगे तो अकल आएगी इन्हें। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। गौतम भाई जी, मैंने एक बात गौर की है कि दुनिया में अलग अलग धर्म, जात, रंग या विचारधारा के लोग रहते हैं, पर ज़्यादातर देशों में, गैर मुस्लिम देशों में, मुसलमान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहते हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया। ऐसा क्यों? इस्लाम में सुधार क्यों नहीं होता बाकी मज़हबों की तरह? और क्या हर बात के लिए मुस्लिम या इस्लाम को दोष देना सही है? ज़्यादातर मुसलमान ही दुनिया में मारे जाते हैं, ये कब तक रुकेगा? हाँ देखिए, जो आपकी लास्ट की लाइंस हैं इनका मैंने पहले भी जवाब दिया है। आपने सही बात कही कि हर बार मुस्लिमों को ही दोष देना ठीक नहीं है, तो मुस्लिम को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो कितने अलग हैं बाकी रिलीजन्स के मुकाबले में। सिर्फ इस्लाम ही ऐसा रिलीजन है जिसमें रिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब या तो मुस्लिम इस्लाम को थोड़ा रिफॉर्म करें या फिर इसे छोड़ दें, मेरे हिसाब से तो यही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओमकार नाथ, आई विश टू नो वैन जन्नत एंड जहन्नम शेल बी ग्रांटेड टू मोमिन एज पर कुरान। आई थिंक इट विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर कयामत डे ऑफ जजमेंट आखिरत, देयर फोर डोर्स ऑफ जन्नत एंड जहन्नम आर क्लोज्ड एज ऑफ नाउ, दे शुड बी वैकेंट एट प्रेजेंट। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये बेकार की बात है। और देखते हैं राकेश गोवड़ा, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? इफ देयर इज देन वॉट विल यू डू? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मरने के बाद एग्जैक्टली वही होगा जो पैदा होने से पहले था, मतलब कि नथिंग। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि मेरी कोशिश है दुनिया को बेहतर बनाने की, तो आई मस्ट बी रिवॉर्डेड। मुकेश कुशवाहा, क्या आपके घर वाले जानते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं? अगर नहीं जानते तो आप कब बताना चाहेंगे? देखिए पेरेंट्स नहीं जानते और मैं उनकी लाइफ में ये बात उनके सामने एक्सपोज भी नहीं करना चाहता। राघव दीक्षित, इज़ इस्लाम द मोस्ट इविल आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द टाइम्स? यस एब्सोल्युटली। विवेक त्रिपाठी, कितने साल लगेंगे मुस्लिम्स को इस्लाम से बाहर निकालने में? भाई ये आप लोगों के ऊपर है, इस्लाम की सच्चाई पहुँचाइए उन तक, और यंग एज वालों तक ज़्यादा पहुँचाइए, जो ऑलरेडी बूढ़े हो गए हैं उन पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, फिर देखिए आप अगले 30 से 50 साल में बहुत कुछ डिफरेंस दिख जाएगा आपको। डियर ब्रदर, प्लीज़ सेंड योर फ़ोन पे नंबर, थैंक्स। ब्रो फोन पे या पेटीएम सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, आप कोशिश कीजिए पैट्रियन या पेपाल की, या फिर आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। सबसे छोटा अमाउंट केवल 29 रुपये महीना है, आपकी हर सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो आपकी सपोर्ट मुझे इनकरेज तो करती है और साथ ही साथ जो मेरे सपोर्टर्स होते हैं उन्हें मेरी वीडियोज़ भी जल्दी मिल जाती हैं रिलीज़ होने से पहले।
फैक्ट्स हाउस, आई थिंक देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉस फॉर लिंचिंग एनीवन वेदर इट बी हिंदू और मुस्लिम। जी बिल्कुल, लिंचिंग के केस आजकल बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहे हैं। अर्जुन, आपको इंडिक रिलीजन जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज़्म के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये मैंने पढ़े नहीं हैं, कभी एक वीडियो लाऊंगा कि मैं एथीस्ट ही क्यों हूँ, तब आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों नहीं इंटरेस्ट लेता बाकी और रिलीजन्स के बारे में जानने में। शेख हुमन, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ बोलो, वो बहुत मुस्लिम का रहनुमा बनता है लेकिन सिर्फ भड़काऊ बयान देता है। हाँ, वो देखा है मैंने, और दोनों भाइयों में आपको इस्लाम के दोनों चेहरे दिख जाएंगे। ये बस पॉलिटिशियंस हैं और कुछ नहीं। गेमर, भाई मोहम्मद साहब की एक बेटी थी फातिमा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब की कोई औलाद थी ही नहीं, ये क्या कन्फ्यूज़न है? मुस्लिम्स की बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक्स मुस्लिम की बातें क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं? अच्छा, बेटी की बात सही कही आपने, असल में वो मोहम्मद साहब की जो पहली बीवी थी खदीजा, उनसे इनके चार लड़कियाँ थीं, मगर जो शिया लोग होते हैं वो सिर्फ फातिमा को ही मोहम्मद साहब की बेटी मानते हैं, बाकी तीन को नहीं। मगर कुछ रेफरेंस हमें ऐसे भी मिलते हैं जिसमें फातिमा को भी बेटी नहीं कहा गया है। चलो, देखता हूँ मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ज़फ़र भाई, अपनी फैमिली से इस्लाम को ख़त्म करने के लिए शुरुआत करें। जी, मेरे फैमिली में सब एक्स मुस्लिम हैं सिवाय मेरे पेरेंट्स के, और मैं उन्हें इस एज में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, यानी मैंने शुरुआत कर दी है। आदित्य बोबड़े, क्या कोई नया फ़िरका बन सकता है जैसे बरेलवी, देवबंदी एटसेट्रा हैं? हाँ, बल्कि ये बन रहे हैं, एक वक्त में सिर्फ बरेलवी थे, मगर अब आज उनके अंदर भी काफ़ी सारे नए नए ब्रांचेस बनती जा रही हैं। हाइड्रा गेमिंग, भाई आपसे प्रेरणा लेकर कुरान खरीद लाया और पढ़ा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग इसको कलामुल्लाह कैसे मानते हैं, और मेरा सवाल यह है कि क्या हलाला के लिए कुरान और हदीस में कहीं लिखा है या नहीं? हाँ, सूरह बकरा की आयतों में आपको सब निकाह, तलाक, हलाला वाली सारी आयतें मिल जाएंगी। राकेश सिंह, व्हाट डस कुरान से अबाउट होमोसेक्सुअल्स? राकेश जी, बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसी में आपको डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में। ऋषिकेश कुमार, प्लीज़ ज़फ़र भाई, मेरा क्वेश्चन Q&A सेशन में ज़रूर लेना। विल द रिलीजन सर्वाइव टिल 22nd सेंचुरी? विल दे बिकम अ थिंग वी यूज़ टू बिलीव, और दे विल बी रिप्लेस्ड बाई समथिंग एल्स? मीनिंग ऑफ लाइफ फ्रॉम एन एथीस पर्सपेक्टिव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तो मैंने साल 2050 की बात की, पर अगर हम देखें इस सदी के बाद तक, तो मुझे नहीं लगता कि ज़फ़र जैसे और लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। मज़हब जैसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि उस वक्त इंसान मार्स पर आराम से जा सकेंगे, और हम सोच भी नहीं सकते कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ चुके होंगे। और एक आपने पूछा मीनिंग ऑफ लाइफ, देखो ज़िंदगी की मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग है। इस्लाम में ज़िंदगी एक बहुत बोरिंग चीज़ है, जिसमें उसे नॉनसेंस प्रैक्टिस जैसे कि नमाज, रोज़ा, दीन का प्रचार और दीन को फैलाने के लिए फ़ाइट करते रहना आदि को फॉलो करते रहना है, ताकि आखिरत में आपको अनलिमिटेड शराब और हूरों का मज़ा मिल सके। दूसरे मज़हबों में इसका कुछ और मीनिंग हो सकता है। एक एथीस्ट के लिए इसकी मीनिंग या मकसद मायने नहीं रखता, इसलिए अब हमें अपने मकसद को ढूंढना चाहिए। तो क्या हो सकता है हमारा मकसद? दरअसल मेरे हिसाब से एक इंसान का मकसद वही होना चाहिए जो उसके शरीर की सबसे छोटी यूनिट का मकसद है, एक सेल का मकसद, जिन लाखों करोड़ों सेल से हम मिलकर बने हैं। एक सेल का मकसद है सर्वाइव करना, जिसके लिए उसने हमारे अंदर डर, दर्द, प्यार, खुशी और सब तरह की इमोशंस दी हैं। अब सर्वाइव करने का ये मतलब भी नहीं है कि आप बस बच्चे पैदा करके पृथ्वी पर बोझ बढ़ाते रहें, तो हमें समझदारी से अपने इस मकसद को पाना है। सर्वाइव करना है तो बाकियों को भी सर्वाइव करने दो। सर्वाइव करना है तो बिना वजह की लड़ाइयों से हटकर ज़िंदगी को अपने और अनुकूल बनाने के लिए कोशिश करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इन्वेंशंस करो, ताकि हमारी जनरेशंस अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमें अपना सर्वाइवल सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, कॉस्मोलॉजी को समझो, ताकि अगर कभी ये पृथ्वी हमारा घर टूट जाए तो हम अपनी जनरेशंस को किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जा सकें सर्वाइवल के लिए। यही हमारी ज़िंदगी की मीनिंग है और यही हमारा मकसद भी होना चाहिए। ब्रजपाल, धर्मों के मकड़जाल में फंसे दुनिया भर के भोले भाले लोग अतीत के सबसे बड़े झूठ को सच मानने की गलती कर रहे हैं। इस धार्मिक झूठ को समझने में ज़फ़र, शकील, गालिब, ह्यूमन विद साइंस, साइंस जर्नी, हैरिस सुल्तान, स्पार्टिकस जैसे लोग आज दुनिया के बहुमूल्य एसेट्स हैं।
सच्चाई को सभी को आज के बदले हुए सच के रूप में समझना चाहिए। धर्मों ने लड़ाई झगड़ा मार काट नफरत बांटने के सिवाय कुछ नहीं दिया, हमें इंसान बनाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सही कहा आपने। इसीलिए मैं मानता हूँ कि अंधविश्वास की जो शुरुआत होती है वो विश्वास से ही होती है। पहले तो लोगों को मजहब के सुनहरे रंग दिखाई देते हैं कि भाई कितने प्यारे इनके त्योहार हैं, कितने प्यारे इनके भजन और नात हैं, मगर फिर वही विश्वास कब इंसानियत का गला दबाने लगता है पता नहीं चलता। मजहब की आड़ में पॉलिटिक्स होने लग जाती है, फलाने की सरकार आएगी तो मंदिर बनेगा, उसकी सरकार आएगी तो मस्जिद बनेगी, और उसी बीच कितने भोले भाले लोगों की जान चली जाती है। तो किसी नादान ने ही कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। राकेश सिंह पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्री इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ मक्का, हु वर द थ्री गोडेस हु वर नोन एज द डॉटर ऑफ अल्लाह। प्री इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ मक्का पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर तीन देवियों के बारे में जानना चाहते हैं जो अल्लाह की बेटियां कबूल कर ली गई थी, तो उसके लिए आप मेरा कुरान प्रिजर्वेशन वाला शो देखें, उसमें जिक्र है इसका। के एंटरटेनमेंट, सर आप जैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर आप लोग जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें और न्यूज़ चैनल की वीडियो में भी ज़फ़र के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखकर प्रमोट करें। राकेश सिंह, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ काबा द ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन, कहीं आप संगे अस्वद की बात तो नहीं कर रहे? इसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो ऑलरेडी मेरी वीडियो प्लान लिस्ट में भी है और मैं जल्दी काम करूँगा इस पर। दूसरा क्वेश्चन है इनका कि इज़ इट ट्रू दैट देयर आर आइडल्स ऑफ अदर गॉड्स इनसाइड इट। नहीं जी, अंदर इसमें और कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो इस्लाम में हराम है। हर्ट ब्रेक आईडी, ये तरीका बहुत ही अच्छा था कि सबके सवाल आप समझ सकें, और मेरा सवाल अब भी वही है कि मुस्लिम कहते हैं कि 124,000 नबी आए थे, मगर वो आज तक उनके नाम नहीं बता पा रहे हैं, और अगर वो नहीं बता सकते तो फिर किस बुनियाद पर ये क्लेम करते हैं कि 124,000 नबी आए थे। सही बात है। और अल्लाह मियाँ को इतने नबी की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर अल्लाह मियाँ सब जानते थे तो फिर शुरुआत में ही मोहम्मद साहब को भेज देते, ये भी सही बात है। मगर अल्लाह मियाँ को 123,999 नबी के पहले ज़रूरत पड़ी, और सिर्फ वो नबी मोहम्मद सब आखिर नबी हुए जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो फिर अगर अल्लाह मियाँ को सब पता था तो फिर उनको 123,999 की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बार सिर्फ इतना ही सवाल है, होप के आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। जी आपने बहुत बड़ी बात कही दोनों सेंस में। देखिए कुरान में हमें सिर्फ 24 से 25 नबियों के नाम मिलते हैं, वो भी सारे के सारे बाइबल से कॉपी किए गए हैं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है जो बाइबल में ना लिखा हो, बल्कि बाइबल में तो इनकी स्टोरी कुरान से भी ज़्यादा डिटेल में मिलती है। तो असल में इस्लाम सिर्फ अरबों का मज़हब है, उस वक्त के सारे रिलीजन जो अरब में थे जिनकी स्टोरी ऑलरेडी अरबों को पता थी, मोहम्मद साहब ने बस वही चीज़ें कॉपी पेस्ट करी थी। क्योंकि ये स्टोरी यहूदियों की है, इसलिए सारे इसराइल और उसके आसपास की जगह में जो नबी आए या जो उनकी कहानियाँ थीं जो भी था उन्हीं का जिक्र है। तो इसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए और ना ही वो कभी साबित कर पाए कि 124,000 नबी थे। तो ये एक बोंगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। नंदनी विश्वास जी का सवाल है कि वाई आर मुस्लिम वुमन फॉरबिडन टू रीड द कुरान एंड गो टू द मॉस्क एंड थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर ऑफ माई प्रीवियस क्वेश्चन। ओके थैंक यू। तो नंदनी जी, कुरान तो फॉरबिडन नहीं है, और वैसे तो मस्जिद जाना भी फॉरबिडन नहीं है, लेकिन जो इनके अलग अलग सेक्ट्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग इनके रूल हैं। तो कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जो मस्जिद में औरतों के लिए अलग से एक जगह बनाते हैं, और कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर औरतें पूरी तरह से अलाउड नहीं होती हैं। चलिए और देखते हैं। जुहैर अकबर, क्या नबी सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर ही आए? क्योंकि मुस्लिम के सब होली प्लेसेस सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर ही हैं, बाकी सब स्पेस फजूल में पड़ा है। अगर नहीं तो फिर दूसरे प्लैनेट्स पर भी आए होंगे, क्या वहाँ भी अर्थ वाला सिस्टम होगा? प्लीज़ डोंट मेक ए जोक। हाँ जी सही बात है आपकी, बाकी प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकती है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है जिससे इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर भी लाइफ होगी। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं और भी दुनिया ज़रूर होंगी, क्योंकि अर्थ पर ज़िंदगी है, क्योंकि ये सूरज के गोल्डिलॉक्स जोन में है। मतलब ऐसी जगह ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए, और ना इतना कम कि ये जमा रह जाए, बर्फ़ बना रह जाए। अब अरबों गैलेक्सियाँ हैं, फिर एक गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं, फिर एक सितारे के इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स होते हैं जो चक्कर काटते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि करोड़ों प्लैनेट्स, अरबों प्लैनेट्स होंगे जो अर्थ जैसे होंगे, पर लाइफ नहीं पता वहाँ किस तरह की होगी। और नासा भी आए दिन इस तरह के प्लैनेट्स खोजता रहता है, और उनकी खोज चल रही है जो कि बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं, तो वहाँ पर भी लाइफ हो सकती है।
जबकि वहीं अल्लाह कुरान में कह रहा है कि भाई ये जो तारे हैं ये हमने रात में सजाने के लिए बनाए हैं, और ये जो हम उल्का पिंड्स एस्ट्रॉइड्स मीटियोरॉइड्स वगैरह देखते हैं ये फरिश्ते शैतानों पर हमला करते हैं जब ये फरिश्तों की बातें सुन रहे होते हैं। तो कुरान और इस्लाम जो है वो किसी और दुनिया में नहीं मानता। वाजिद खान, ब्रो आई एम एन एक्स मुस्लिम बट आई ऑलवेज थिंक इफ़ अल्लाह डिड नॉट मेड मी देन व्हाई आई एम हेयर। आर ह्यूमन हेयर ऑन अर्थ जस्ट टू ईट स्लीप लिव फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड डाई? हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड द प्लैनेट्स? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ? व्हाई विल आई डाई वन डे? प्लीज़ आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। तो बेशक काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। और अभी देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था लाइफ के बारे में कि अर्थ पर लाइफ क्यों है, और पीछे किसी सवाल में मैंने लाइफ का मकसद भी एक्सप्लेन किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सितारे, प्लैनेट्स या हम, ये किसी ने नहीं बनाया। सितारे और जो प्लैनेट्स हैं वो बिग बैंग प्रोसेस की उपज हैं, और हम यानी कि जो ज़िंदगी है वो एक सेल से इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स हुई है। तो आज का जो वक्त है बहुत अच्छा वक्त है। आपको जो चीज़ आज समझ में नहीं आती उसे आप गूगल कीजिए, उसकी साइंटिफिक थ्योरी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, भाई बारिश क्यों होती है, ये क्यों होता है, फूल क्यों होते हैं। तो आज आपको जो समझना है वो आप गूगल करो, आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाएगा। बस आप जानने की नज़र रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एस व्लॉग, विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू थिंक इज़ द बेस्ट? हुम डू यू वोट फॉर? गलत सवाल। देखो, ये जो चैनल है ये पाखंड और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट है, खासकर इस्लाम। तो अब मैं किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करके अपने टारगेट से नहीं भटकूंगा। रूता अमीन, भाई जय श्री राम, एक प्रश्न है मेरा कि रसूल के मरने के बाद उनकी बीवियों ने फिर से शादी की क्या? उनका आगे क्या ही हुआ? रसूल को अपने जीते जी इस बात का बहुत डर था कि उनके बाद कोई और उनकी इतनी सारी बीवियों से शादी ना कर ले, इसलिए उन्होंने अपनी बीवियों को उम्मतुल मोमिनीन कहा, यानी उम्मत की माँ, और माँ से शादी हो नहीं सकती है। वैसे हमारे नबी ने अपनी बहू से भी शादी कर ली थी क्योंकि वो उनकी मुँह बोली बहू थी। इंडियन स्केप्टिक, नाम अमन चौहान, एक्स मुस्लिम, ब्रो मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे विश्वास को सुनकर मुझे कहते हैं कि तुमने कादियानी किताब पढ़ी है और मुझे कुछ हदीस पढ़ने को बोला जो ऑथेंटिक बुक्स नहीं थी, नाम याद नहीं, लेकिन मैं उनको कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ? देखो, लोगों से बहस करना ठीक नहीं है, खासकर अपनी फैमिली से और रिश्तेदारों से, इसलिए जब ये लोग अलतकैया कर सकते हैं तो आप भी करिए मुस्लिम होने के लिए। और अगर बात कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो फिर उन्हें एक्स मुस्लिम की वीडियो शेयर कीजिए, पूरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। क्या कौन पूछते हैं, मैं दुबई गया था, दुबई में मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वे बोलता है कि हिंदू तुम तो हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, बहुत ज़रूर मिलेंगे, हिंदू तो कभी ऐसा नहीं करते कि हिंदू और मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाओ। हाँ, वो एक्चुअली वो कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट है अब्राहमिक रिलीजन्स की, तो मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ट्राई करते हैं पूरा। अर्जुन चौहान, भाई मेरा एक छोटा सा सवाल, कुरान की एक आयत में अहमद नाम के पैगंबर का जिक्र है, क्या मोहम्मद साहब का नाम कभी अहमद था? हाँ, वो एक्चुअली कुरान में मोहम्मद वर्ड आया है, और मोहम्मद साहब ने कहा भी है कि पुरानी किताबों में उनका नाम अहमद दिखा है, मगर ना तो उस वक्त में और ना ही आज ही किसी बुक में ऐसा लिखा पाया गया है जहाँ अहमद वर्ड हो। बोंगिया हैं। दिस वन इज कंप्लेंट अबाउट एक्स मुस्लिम एंड एथीस्ट, व्हाई डू यू गाइज स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग सनातन धर्म विदाउट वैलिड फैक्ट्स? Valid criticism is always accepted and why do you guys consider Sanatan Dharam as a religion, which it is not? It's a way of life. Not trying to generalize all of you guys as the same though. Thanks and regards. अच्छा, देखिए, मैं criticize नहीं करता किसी और मज़हब को। मेरा मानना है कि इस्लाम की बुराइयों से सीख लो, और अगर आपके यहाँ भी कुछ बुरा है तो उसे भी respectful way में खुद से criticize करो, उसे correct करो। इस्लाम में तो correct करने का option भी नहीं है। बाकी religions तो बहुत update हुए हैं, बहुत reform हुए हैं। अच्छा, विकास कुमार, आदम और हव्वा के कितने बच्चे थे और क्या उनके बच्चों ने एक दूसरे से शादी की थी? तो क्या ये दुनिया भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ख़राब करके बनी? प्लीज़ रिप्लाई। एक्चुअली इसमें कई अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी मिलती है कि इनके चार बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की हुए, फिर कुछ साल बाद एक और एक लड़का और एक लड़की हुए जुड़वा। तो इनकी शादी हुई थी बड़े भाई की छोटी बहन के साथ में और बड़ी बहन की छोटे भाई के साथ में। अब बड़े हों या छोटे हों, हैं तो भाई बहन ही। तो इस तरह की कई थ्योरीज हैं जो क्लियर भी नहीं है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से हुआ तो यही है। और फिर ये उलेमा लोग एथीस्ट लोगों पर इंसेस्ट का इल्ज़ाम लगाते हैं। बी पॉलिटिकल, आप कालीदासी जी का इंटरव्यू ज़रूर करें। अच्छा, चलो देखेंगे। दिवस, खतना करने से जान जाती है नहीं, क्या ये कंपलसरी है?
अच्छा देखो, खतने के बारे में जानना है तो आप मेरी खतने वाली वीडियो जो है आप उसे देखें। अभिनंदन भाई जफर, मेरे लिए तो बहुत से प्रश्न और उनका उत्तर आप स्वयं देते रहते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसी तरह से आप नियमित जानकारी वीडियो या पोस्ट से देते रहिएगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी। विकास भारद्वाज, हाउ मेनी एक्स मुस्लिम्स आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा नंबर हो सकता है। खुद स्कॉलर्स मानते हैं कि ये 40% होने वाला है, तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। विजार्ड गेमिंग, इस्लाम इतना पीसफुल क्यों है? इसका जवाब मेरी वीडियोस से मिलता रहेगा आपको। आनंद मोहन नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें बात करनी है, लेकिन हमें तो नहीं करनी। अरे मजाक कर रहा हूँ, जब मैं लाइव शो लाऊंगा तब आप बात कीजिएगा, और ऐसे अपना नंबर नहीं देना चाहिए। जोसेफ स्टेलिन, सर मेरा क्वेश्चन है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब के फेस को बनाना गलत क्यों है? एक्चुअली इस्लाम में तस्वीर बनाना हराम है, तो इसलिए प्रॉफिट का चेहरा बनाना भी हराम है, और इस हिसाब से देखा जाए तो फ़ोटो खिंचवाना भी हराम है, और बहुत सारे स्कॉलर्स कहते भी हैं, लेकिन बस मोमिन है कि मानते नहीं हैं। ज्योति कश्यप, जफर सर मोहम्मद के कितने बच्चे थे और उनका कोई बच्चा उनकी खिलाफत का हकदार क्यों नहीं बना, और अबू बकर मोहम्मद की खिलाफत का हकदार कैसे बना जबकि वो उसका फादर इन लॉ था? ज्योति जी देखिए, इस्लाम जो है ना वो वंशवाद पर नहीं चलता, बल्कि इसके मैसेंजर्स होते हैं। बाकी देखेंगे, कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस बारे में। मोहम्मद शरीफ, क्या कुरान बाइबल और तोरा से कॉपी करके लिखा है और मोहम्मद साहब अपनी खुद से लिखा है? प्लीज़ जवाब देना। एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है कि क्या मोहम्मद साहब उम्मीद थे और क्या कुरान कॉपी बुक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हितेश कहते हैं कि भाई इवोल्यूशन प्रजाति के वजूद को बनाए रखने के लिए होता है, ये तो समझ आ गया, पर उसका कॉज क्या है, कौन करता है इवोल्यूशन? क्या सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है? देखिए इवोल्यूशन जो है वो कोई नहीं करता, ये खुद होता है। एक्चुअली जानवरों के बच्चों में फ़र्क होता है, और जो फ़र्क उन्हें ज़िंदा रहने में सपोर्ट करे वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। मान लो लाल पहाड़ी पर किसी चूहे के बच्चे का कलर म्यूटेशन की वजह से लाल हो जाए, तो वो चील की नज़र से बच जाएगा, और यहीं से उस पहाड़ी पर रेड चूहे सर्वाइव कर जाएंगे और ब्लैक वाले मारे जाएंगे, तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है। जय कहते हैं, इस्लाम गिव्स फ्री सैंक्शन टू किल, रेप, लूट एंड प्लंडर। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस हैज बीन यूज्ड बाय मुस्लिम पॉलिटिशियन टू असर्ट देयर इरेशनल डिमांड्स लाइक जिन्नास कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन व्हेन ही हैड नो सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स लेफ्ट। रिच एजुकेटेड मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाक नो दिस वेरी वेल। डोंट फॉलो इस्लाम इन रियल लाइफ बट इन्वोक इट व्हेन रिक्वायर्ड टू कॉज वायलेंस अगेंस्ट कॉमन पीपल एंड असर्ट देयर डिमांड्स। डू यू थिंक मुस्लिम्स वुड गिव अप दिस इस्लामिक पॉलिटिकल टूल ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी? ब्रो आई थिंक वी शुड ट्राई हार्ड टू मेक एज मच ऑफ पीपल गिव दिस अप एज मच वी कैन। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल लीव इट ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड आई एम वेरी श्योर दैट द अपकमिंग एज विल बी एन एज ऑफ रैशनल्स, सो मोस्ट ऑफ देयर जनरेशंस विल गिव दिस अप देन, सो दैट्स माई पॉइंट। चेतन निगम, इस्लाम के हिसाब से 1400 साल पहले तक के लोग जन्नत जाएंगे या जहन्नम? देखिए मुस्लिम की नज़र में इस्लाम 1400 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जब से आदम इस दुनिया में आया है। और ये गप मारते हैं कि जगह जगह खुदा ने अपने नबियों को भेजा था, नबी अपनी अपनी शरीयत लेकर आए थे, तो इनका मानना है कि जो उस टाइम में उस शरीयत को फॉलो कर रहा था वो जन्नत में जाएगा, और अदरवाइज़ नहीं किया होगा तो जहन्नम में जाएगा। और देखा जाए तो खुद मोहम्मद साहब के माँ और बाप जहन्नमी हैं, क्योंकि ये खुद रसूल के अल्फाज हैं कि वो मूर्तियों की पूजा करते थे। बाइबेक, वाई डू इस्लामिस्ट पीपल वॉन्ट सेक्युलरिज्म इन माइनॉरिटी बट इस्लाम इन मेजोरिटी? देखो इस्लाम में तो सेक्युलर होना ही हराम है, बल्कि कुफ्र है। कुरान की एक आयत के अल्फाज हैं कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, तो इस्लाम में अपने रिलीजन के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। तो कोई आज के टाइम में अगर सेक्युलरिज्म करता है तो अच्छी बात है, मगर अफसोस कि इनका जो सेक्युलरिज्म है वो तब तक ही रहता है जब तक कि ये माइनॉरिटी में हो, और ये आम लोगों की चाल नहीं होती, बल्कि आम लोगों को जो स्कॉलर्स चला रहे होते हैं ये उनका खेल होता है सब। माइनॉरिटी वाली जगह पीसफुल खुतबे दिए जाते हैं और मेजॉरिटी वाली जगह में भड़काऊ, तो ये सब है। वीरेंद्र सिंह, इस्लाम में ज़कात क्या एक गैर मुस्लिम को दी जा सकती है? नहीं, इस्लाम में ज़कात गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। इस्लाम काफिरों पर ज़कात का पैसा खर्च करने से मना करता है।
हाँ, उसके अलावा कोई सदका वगैरह हो तो वो दिया जा सकता है, मगर ज़कात नहीं। एंटरटेनमेंट, सर एवरी मुस्लिम वांट्स टू कन्वर्ट नॉन मुस्लिम टू इस्लाम, बट इफ़ समवन कन्वर्ट इन इस्लाम, वाई मोस्ट ऑफ द मुस्लिम डोंट वांट टू मैरी दैट गाय और अलो देयर डॉटर टू मैरी हिम, वाई इज़ दैट? एंड अगर नॉन मुस्लिम जो लड़की है वो मुस्लिम बनी, उससे फटाक से कैसे तैयार हो जाते हैं अपने बेटे के शादी करने के लिए? होप यू विल आंसर, दिस इज़ मी बेसिकली माई स्टोरी। अच्छा, तो देखिए, क्योंकि वो जो शख्स पहले काफिर रह चुका है, इनको शायद ऐसे बंदे के ईमान पर ज़्यादा यकीन नहीं होता, मगर कोई नॉन मुस्लिम औरत अगर इस्लाम कबूल कर लेती है तो फिर ऐसी सूरत में ये लोग बहुत आगे रहते हैं शादी के मामले में, क्योंकि इनकी वजह से कोई मुसलमान बन रहा है तो ऐसे में अगर प्यार भी नहीं है तब भी निकाह कर लेंगे, यही सोच के कि शायद इसी वजह से कहीं अल्लाह जन्नत दे दे। और फिर औरत को तो वैसे भी इस्लाम में दबा कर रखा जाता है ना, तो ये रीज़न है। आर्यन अस्थाना, आर नॉन मुस्लिम्स काफिर इन द आइज़ ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम? हाँ जी बिल्कुल, काफिर का तो मतलब ही होता है जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रो, शी सेक्रीफाइज हर सन फॉर अल्लाह और किल्ड ओन सन ड्यू टू मेंटल डिसबैलेंस, इवन शी इज़ टीचर इन मदरसा। हाँ, ये पढ़ा था मैंने, और देखो रीज़न कुछ भी हो लेकिन मेरा मानना है कि ये जो मदरसा है ना, इन्हें सरकार को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। हज़रत मोहम्मद साहब का डेथ बॉडी कहाँ पर है? एक्चुअली मदीने में मस्जिद है, मस्जिद नबवी, उसके अंदर जहाँ आयशा का हुजरा था वहीं इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी मौत के वक्त इनका जो टर्न था वो आयशा के साथ था और वहीं इनकी डेथ हुई। तो सहाबा ने कहा कि अनबिया जहाँ वफात पाते हैं वहाँ इनकी कब्र होती है, तो फिर इनकी कब्र भी वहीं बना दी गई। तो कुछ रोज़ाए अनवर नाम है शायद इनकी कब्र का, और इनके राइट में अबू बकर है और लेफ्ट में उमर, तीनों की कब्र एक साथ है। हितेश पारमर, क्या मोहम्मद ने अल्लाह जो वर्ड है वो श्री राम के बेटे लेह से लिया है, और क्या मोहम्मद की फैमिली हिंदू देवी देवता को पूछती थी? लेह, यार जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो श्री राम के बेटे लव और कुश थे, अब आपने लव का लेह कर दिया। एक्चुअली ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, ये व्हाट्सएप पर ज़्यादा चलती हैं, तो ये सारी फेक बातें वहीं से आती हैं। तो इस्लाम से पहले अरब में सबसे ज़्यादा पैगन्स थे, जिनके अपने ही अलग देवी देवता थे, और यहूदी ईसाई लोग भी काफ़ी थे, मगर इस्लाम से पहले अरब में हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता हूँ और उसके लिए खुद इस्लामिक बुक्स ही काफ़ी हैं, तो इस तरह की फेक बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अश्विन कुमार, इन ए सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया, वाई एन एक्स मुस्लिम लाइक यू हैव टू हाइड योर आइडेंटिटी? कैन वी एवर सी सच ए डे व्हेन एक्स मुस्लिम्स आर एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स? हाँ बिल्कुल, ये वक्त भी आने वाला है जब इंडिया में एक्स मुस्लिम खुल के सामने आएंगे, और वो टाइम थोड़ा और जल्दी आए इसीलिए मैं अपने इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। शावेस तारिक, जो कि पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, कहते हैं कि हाउ मैनी डेथ थ्रेट्स यू हैव रिसीव्ड सो फार? हैव यू कम अक्रॉस पीपल हु न्यू यू वाया यूट्यूब? आरंट यू स्केर्ड ऑफ जिहादीज? डेथ थ्रेट्स तो डेली मिलते हैं, अब तो आदत हो गई है। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई टकराया नहीं जो यूट्यूब से जानता हो, और जिहादियों से अगर मैं डरता तो मैं चैनल स्टार्ट नहीं करता। राजेश माने कहते हैं, जफर भाई जय हिंद जय साइंस। जय हिंद जय साइंस राजेश माने जी। मंजू देवी पूछती हैं कि क्या 2050 इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मज़हब बन जाएगा और इंडिया में क्या होगा? हाँ 2070 तक है शायद, लेकिन इस पर ब्रेक लगने लगा है और शायद अब ये डिले भी हो जाए, या हो सकता है अचीव ही ना हो पाए। सुभाष विचार, यू आर लॉयन, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। शवन, वीडियो सजेशन साइंस वर्सेस स्यूडो साइंस? हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, और बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा मैं इस पर। सर, कश्मीरी एक्स मुस्लिम की ज़रूरत है जो कश्मीरी भाषा में लोगों को सच बता सके और कश्मीर को जन्नत बना सके, सर इस पर काम ज़रूर करें प्लीज़। जी बिल्कुल, बहुत पते की बात की है आपने, और अगर कोई कश्मीरी एक्स मुस्लिम खड़ा होगा तो मैं पूरी पूरी सपोर्ट करूंगा। धर्म विरोधी मुलहित कहते हैं कि सबसे अच्छी बुक्स कौन कौन सी हैं जो कुरान को और मोहम्मद को अच्छे से क्रिटिसाइज़ करती हैं? देखिए बुक्स तो आपको हज़ारों मिल जाएंगी, मगर कुछ बुक्स को पढ़ के मुस्लिम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये नॉन मुस्लिम ज़बरदस्ती इस्लाम के पीछे पड़े हैं, इसीलिए जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है वो है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। तो ये एक्स मुस्लिम अली सिन्हा ने लिखी है और काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी इंग्लिश उर्दू और हिंदी की PDF आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिव्य वशिष्ठ कहते हैं, इस गजवा हिंद मैंशनड इन शिया हदीस? नहीं, शिया की बुक्स में ये आपको गजवा हिंद नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सुन्नियों की बुक्स में 3 या 4 बार ही मिलेगा, और ये भी सारी झूठी हदीसें हैं।
तो मेरी गजवा हिंद वाली वीडियो देख सकते हैं आप ज़्यादा जानने के लिए। भुवनेश गुप्ता पूछते हैं कि सर इस्लाम शब्द का प्रयोग कब और किसने किया तथा 100 से भी ज़्यादा साल बाद कुरान लिखने पर भी मोहम्मद को हीरो कैसे बना दिया। तो भुवनेश जी, इस्लाम जो है वो असलामा वर्ड से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब है अपने आप को सबमिट कर देना। लेकिन मुस्लिम इसे सलाम वर्ड से ड्राइव्ड बताते हैं, जिसका मतलब है शांति, जो कि एक प्रोपोगंडा है। इस रिलीजन की कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी थी कि इसमें आप लोगों को अपना रिलीजन थोपो और जब वो मना करें तो उन पर अटैक करके उनसे लूटपाट करो। तो ये लूटपाट वाले ग्रोह के लिए बहुत ही अच्छा मजहब था, तो इसलिए मोहम्मद साहब की मौत के 100 से 150 साल बाद उन्हें बड़ी अच्छी पहचान मिल गई। और आज के वक्त में ना लोग इसकी सच्चाई को जानते नहीं है, बस इसलिए इसे फॉलो करते हैं क्योंकि ये उनके पेरेंट्स ने सच्चा और अच्छा बताया है। जितेंद्र नेगी, जफर भाई आप नेक काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले बांग्लादेश गया था किसी बिजनेस के सिलसिले में। उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट जब एयरबॉर्न होती है तो पायलट अनाउंस करता है कि अल्लाह अकबर 3 बार और मैसेज के बाद बोलता है अल्लाह मोहन 3 बार। ये अल्लाह मोहन क्या है? एयरपोर्ट और प्योर समाज में इतना धार्मिक माहौल है कि हिम्मत नहीं जुटा पाया लोगों से पूछने की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, धन्यवाद। अल्लाह मोहन करके तो शायद फिर बांग्लादेशी लैंग्वेज में ही कुछ होगा, मैंने तो ये वर्ड आज तक सुना नहीं है। तो अगर किसी को इसका मतलब पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। द ऑर्डर, आपने बिल्कुल सही कहा जफर हेरेटिक जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स डियर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली का आर्टिस्ट पूछते हैं, इस्लाम हमें डॉग्स को पेट क्यों नहीं बनाने देता और उसको छूने से भी मनाही है, क्यों? डॉग्स को ना सिर्फ शिकार या बाकी की ज़रूरतों के लिए ही पेट बना सकते हैं, वरना ये जहाँ होते हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ऐसा कहा जाता है। तो इनकी रोज़ी में कोई दिक्कत ना हो इसलिए नहीं पालते, और छूना तो दूर की बात है, इन्हें देखते ही जान से मार देने के हुक्म दिए गए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी जो डॉग्स वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें। MD गैलेक्सी, कैन वी टॉक लाइव ऑन योर चैनल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स विद ऑडियो ओनली? हाँ, ये ना मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्लान किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लोगों के इंटरव्यू लूँगा और उसके बाद बाकी लोगों को भी बुलाएंगे कॉल में। हिंदू इविल, इस्लाम कास्ट सिस्टम? इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर फ़िरके होते हैं। तो एक हदीस भी मिलती है कि टोटल 73 फ़िरके होंगे और केवल एक ही जन्नत जाएगा और बाकी 72 दोजख में जलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी गप्पबाजी मारी गई हैं। उत्कर्ष मिश्रा, ब्रदर प्लीज़ टेल अस अबाउट याजूज एंड माजूज। इस्लाम की एक मिथोलॉजिकल स्टोरी का हिस्सा है याजूज और माजूज, और ये आदम की नस्ल से दो कौम हैं जो कि पहाड़ों में कहीं पर कैद कर दिए गए हैं और ये कयामत के वक्त ही निकलेंगे। तो इस पर जल्दी ही मैं वीडियो लाऊंगा। XXX व्यूअर, आपको अरबिक लैंग्वेज की ग्रामर वोकेबलरी कितनी आती है? मैं अरबी नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अरबी नहीं आती सिवाय अरबिक रीड करने के, और उसमें भी किरात में भी मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं रीड भी नहीं करता अपनी वीडियो में रेफरेंसेस के दौरान, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। रेफरेंसेस पढ़ने में सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। मुस्लिम भाइयों को इसीलिए ये भी लगता होगा कि मैं फेक एक्स मुस्लिम हूँ। वो कब भी बस मेरी इतनी है कि जो इस्लामिक टर्म्स हैं और जो वर्ड्स अरबी और उर्दू में कॉमन हैं वो जानता हूँ बस। XYZ यूज़र, हाउ टू टर्न ए मुस्लिम इनटू अ ह्यूमन? ह्यूमन तो यार वो ऑलरेडी हैं, उनको बस सच्चाई बतानी है। तो उसके लिए उनको एक्स मुस्लिम की वीडियो सजेस्ट करते रहिए, कभी ना कभी देखेंगे, समझेंगे और इंसानियत सीखेंगे। JP इंस, कृपा करके मुल्ला मौलाना इमाम हाफिज़ में अंतर बताएं और इनका पद कहाँ रहता है? देखो, स्कॉलर्स को ही मुल्ला या मौलाना कहते हैं और इमाम का मतलब लीडर होता है, और जो शख्स नमाज को लीड करे यानी नमाज पढ़ाए उसे इमाम, और हाफिज़ का मतलब है हिफ्स करना यानी कि याद करना। तो जो कुरान को याद करने वाले होते हैं वो हाफिज़ होते हैं। देसी बॉय, सर अगर इस्लाम पीसफुल रिलीजन है तो अल्लाह का नाम लेकर किसी जानवर या इंसान का कत्ल क्यों किया जाता है? अभी बताया था ना पीछे, इस्लाम का मतलब है अपना आपको सबमिट करना, ना कि पीस। ये प्रोपोगंडा है बस और कुछ नहीं। द ट्रुथ, व्हाई पीपल इन इंडिया कांट ओपनली टॉक अबाउट रियल रीजन बिहाइंड टेररिज्म 1947 पार्टीशन 1990 एक्सयूडस एट्सेट्रा वाई इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द आइडियोलॉजी ऑफ बारबेरिक रिलीजन? हाँ, ये प्रॉब्लम है, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए ताकि लोग सच्चाई को समझें। लेकिन प्रॉब्लम आती है संविधान में इन बातों का होना कि किसी मजहब को टारगेट नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत गलत है। भाई गलत बात को तो टारगेट किया ही जा सकता है ना, तो बस ये चीज़ है। वसीम अशरफ,
भाई मेरा सवाल है कि अगर आपकी बीवी मुस्लिम हो और आप एक एक्स मुस्लिम, तो बीवी को इस्लाम के बारे में कैसे समझाएंगे? प्लीज़ सवाल का जवाब ज़रूर देना। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, कोई इंसान किसी बाहर वाले की बात मानता नहीं है, खासकर जब मामला उसके बिलीफ का हो। मेरा मानना है कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर को सच्चाई बतानी है तो ये अचानक नहीं करना चाहिए, बल्कि शुरुआत की जा सकती है उनके मन में शक पैदा करके, और फिर धीरे धीरे इसकी सच्चाई बता सकते हो। समीम किंग, तू पैदाइश मुस्लिम नहीं है, अगर मुस्लिम होता तो मुस्लिम के बारे में ऐसा नहीं बोलता। तू हिंदू है, पैदाइशी फेक यूट्यूब चैनल खोल रखा है। देखिए शमीम भाई, मैं मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं नास्तिक हूँ और मुस्लिम भाइयों को इस्लाम नाम की गंदगी से बचा रहा हूँ। हितेश परमार, क्या ये बात सच है कि जो मोहम्मद की पहली वाइफ खदीजा थी, उसका भाई वरका बिन नौफल एक क्रिश्चियन प्राइस था, जिसने मोहम्मद की लाइफ में नबूवत लाने में और कुरान लिखने में और बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया? हाँ जी बिल्कुल, मोहम्मद और वरका के रिलेशन के बारे में मैंने इस वीडियो में बात भी की है, तो बहुत अच्छी वीडियो है, देखिएगा। बज़्म शोहरा, ज़फ़र भाई हलाल का और हराम का तर्जुमा हिंदी में बताओ, मतलब जायज़ और नाजायज़, या कहें तो वैध और अवैध। यूनिवर्सल क्रिकेट, व्हेन विल यू स्टार्ट लाइव स्ट्रीम लाइक हारिस सुल्तान, स्पार्टिकस, गालिब कमाल? माय सजेशन, प्लीज़ ब्रिंग आउट इंडियन एक्स मुस्लिम एंड इंटरव्यू देम एज इट्स नीड ऑफ द आवर। थैंक यू, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सवाल पुराना हो गया, जब पूछा गया था तब मेरे पास इसका जवाब था कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और जल्दी ही शुरू करूँगा, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार मैंने इसे शुरू कर दिया है और हमारे पहले एक्स मुस्लिम मिर्ज़ा गालिब साहब थे जिनका इंटरव्यू मैंने किया। ये बहुत ही कमाल का आदमी है। जिन लोगों ने ये लाइव शो नहीं देखा उन्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा देखना। दूसरी बात कि मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं कि लाइव कॉल के दौरान तकनीकी खराबी के चलते मुझे शो बीच में छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मिर्ज़ा गालिब साहब को फिर से लाइव कॉल में लाऊंगा और उनका इंटरव्यू पूरा करूंगा। अच्छा, यहाँ तकनीकी खराबी के चलते मैं सुपर स्टिकर और सुपर चैट क्वेश्चन भी नहीं ले पाया, तो मैं इन्हें अभी अपने Q&A में कवर कर रहा हूँ। माही सैनी जी ने सुपर चैट भेजी थी, बहुत बहुत धन्यवाद माही सैनी जी आपका। इनके अलावा मिस्टर देवराज का भी सुपर चैट क्वेश्चन था जो रह गया था। इनका सवाल था कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बोलते हैं कि ISIS सच्चे मुस्लिम नहीं हैं, US एजेंट हैं, डू दे रियली बिलीव दिस और इंटेंशनली लाई? तो देवराज जी, जो आपके दोस्त सोचते हैं वो लगभग सभी मॉडर्न मुस्लिम सोचते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स भी मॉडर्न थिंकिंग मुस्लिम हैं तो यकीन मानिए कि वो सचमुच यही सोचते हैं, क्योंकि एक वक्त में मैं भी यही सोचता था कि ये जो टेररिस्ट लोग हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये US की चाल है या ये इसराइल की चाल है। लेकिन सच तो यह है कि दरअसल यही लोग इस्लाम के सच्चे फॉलोअर्स हैं, इस्लाम को यही लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजी ही टेररिस्ट वाली है। बाकी इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगा। चलिए, तो ये मैंने लाइव वीडियो वाले क्वेश्चन कवर कर लिए, अब एक क्वेश्चन और कवर करना है सेकेंड Q&A से। सेकेंड मतलब पिछले वाला जो Q&A था। दरअसल जब मेरे सेकेंड Q&A वीडियो लॉन्च हुई थी तो मैंने इसे प्रीमियर सेट किया था जहाँ सुपर चैट के ऑप्शन होते हैं, तो तब निरंजन पाठक जी ने सुपर चैट के थ्रू 2 बार अपना सवाल भेजा था, पर वो लाइव नहीं था तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता था, तो इसलिए इनका भी सवाल का जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। इनका सवाल था कि कुर्बानी के बाद उस जानवर को क्यों खाया जाता है, ईद और रोज़ा किस उपलक्ष्य में रखा जाता है? तो निरंजन जी, इस्लाम में कुछ जानवरों का मीट हलाल है, मतलब ये खाना वैध है, इसलिए कुर्बानी के बाद वो जानवर वेस्ट ना हो इसलिए उसे खाने की भी इजाज़त है। दूसरा इनका सवाल है कि रमज़ान और ईद क्यों मनाते हैं? तो रमज़ान तो माना जाता है कि कुरान की शुरुआती आयत मोहम्मद साहब पर इसी महीने में उतरी थी, और बाद में एक आयत में कहा गया था इस मंथ में रोज़ा रखने के लिए, और ईद सेलिब्रेट की जाती है रमज़ान ख़त्म होने की खुशी में। ये मैं मीठी ईद की बात कर रहा हूँ। ईद उल अज़हा यानी बकरईद मनाई जाती है क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग इब्राहिम, जो कि एक नबी थे, उनका अल्लाह ने टेस्ट लिया था। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी बकरईद वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब देना मेरी जिम्मेदारी थी जो कि मैंने पूरी कर दी है, और अब चलते हैं वापस अपने तीसरे Q&A के सवालों पर। इस समथिंग रिटन अबाउट इंडिया और हिंदूज इन कुरान और हदीस। देखिए, कुरान में तो कुछ नहीं है, हदीस में गजवा हिंद की झूठी हदीसें हैं 2-3 जगह टेररिस्ट लोगों के लिए, तो गजवा हिंद की वीडियो में भी बताया था मैंने। होमोसेपियन, आई डू हेयर बाई कन्फर्म 101% दैट नो गॉड एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट द ब्रेन ऑफ अनवाइज पीपल। राइट, बट अनवाइस कहना ठीक नहीं है, बहुत सारे ईमान वाले लोग भी वाइस लोग होते हैं, बस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता।
जिसके लिए जफर जैसे लोग हैं दुनिया में। मयूर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रुबीका, लियाकत, तारिक, फतेह, अंबर जैदी, ताहिर गोरा, अनीस फारूकी, आरिफ मोहम्मद खान, शाजिया इल्मी, निगत अब्बास, जो जो भी हैं ये। दे गेट एंग्री वेन यू टॉक अबाउट कुरान एंड हदीस, दे आर हिपोक्रेट्स। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं, सब जानते हुए भी इस्लाम को बचाने वाले लोग हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें इंसानियत की फिक्र नहीं होती, ये कभी उस नुकसान को नहीं देखते जो इस्लाम की वजह से होता है। जो इतने सारे टेररिस्ट लोग हर साल इतने सारे लोगों को मार देते हैं, ये एक्चुअली में उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लाम को सपोर्ट करके। जुनैद अहमद भाई, टू क्वेश्चंस, पहले मुर्गी आई कि अंडा? अच्छा, आप कभी फुल टाइम भी करेंगे स्नेक काम को? चलिए वन बाय वन आपके सवाल लेते हैं। तो पहले मुर्गी आई, अब आप पूछेंगे कि वो मुर्गी कहाँ से आई, तो वो मुर्गी इवॉल्व हुई मुर्गी में किसी दूसरे जानवर से। इवोल्यूशन अभी पीछे किसी क्वेश्चन में मैंने आंसर भी कर दिया है। तो यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं कि अंडा भी हमेशा से ऐसा ही नहीं रहा होगा। तो भ्रूण विकसित होने के लिए सेल्स ने एक लेयर सिस्टम रेडी किया होगा जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज का अंडा बना होगा। दूसरा सवाल है कि क्या कभी मैं इस काम को फुल टाइम करूँगा, तो इसका जवाब है हाँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सभी लोगों से मुझे इतनी सपोर्ट मिले कि मैं अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम इसे कर पाऊँ, तो मेरी सभी से गुजारिश है कि जितना हो सके मुझे पैट्रियन, पेपाल या मेरे चैनल के थ्रू सपोर्ट करें। और देखिए, कोई भी सपोर्ट छोटी नहीं होती। अपने चैनल पर सपोर्ट के लिए सबसे छोटा अमाउंट मैंने 29 रुपीज़ पर मंथ यानी 29 रुपये महीना रखा है, ताकि जो स्टूडेंट लोग भी हैं वो भी मुझे चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो बहुत सारे लोगों ने किया है, यानी रिंकू शर्मा केस। रिंकू शर्मा अपना इंडियन ब्रदर है, मैं उस पर क्यों नहीं बोलूँगा? मैं तो पेरिस के टीचर पर भी बोला था, फिर ये तो अपना इंडियन भाई था। मैं रिंकू शर्मा की सपोर्ट में हूँ, उसे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये सभी को बोलूँगा कि ये केस डाउटफुल था कि कहीं नफरत फैलाने के लिए और राजनीति करने के लिए किसी ने राहुल का इस्तेमाल तो नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ में मैंने खुद पुलिस ऑफिसर को कहते सुना था कि ये आपसी झगड़ा था। इसलिए ये भी हो सकता है कि इस पर राजनीति की जा रही हो, और ये भी हो सकता है कि ना की जा रही हो। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी घटना पर तुरंत विश्वास करके उत्तेजित ना हो। नो डाउट कि इस्लाम बहुत बुरा रिलीजन है और इसकी वजह से बहुत सारे मासूम नॉन मुस्लिम की जान गई है, और नो डाउट कि इस्लाम की आइडियोलॉजी का फ़र्क भी मुस्लिम लोगों पर पड़ता है। लेकिन याद रहे कि सब एक जैसे नहीं होते, और ज़्यादातर मुस्लिम भी इसे गलत ही बताएंगे क्योंकि वो इस्लाम को नहीं जानते। रही बात रिंकू शर्मा केस की, तो मैं दोनों ही तरह से रिंकू शर्मा के साथ हूँ, चाहे उसकी जान इस्लाम की वजह से गई हो या पर्सनल मैटर से। क्योंकि पर्सनल मैटर भी कितना भी उलझा क्यों ना हो, आप किसी की जान नहीं ले सकते, और ख़ासकर वो शख्स जिसने कभी खून देकर आरोपित की पत्नी की जान भी बचाई थी। आज के वक्त में किसी की भी जान रिलीजन की वजह से जाए तो ये पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत दुखद है, और इसीलिए जफर जैसे लोग इस्लाम के टेररिज्म से लड़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंसानियत का पैगाम पहुँचे, ताकि मजहबों की इस अंधी दौड़ में किसी के घर का चिराग ना बुझे। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने जनरल एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।